हिम सुरक्षा अभियान कुल्लू जिला में 25 नवंबर से 27 दिसंबर तक चलेगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील चंद्र ने बताया कि अब प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में चिकित्सकगण, फार्मासिस्ट, स्वास्थ्यकर्मी व आशा वर्कर्स ने भाग लिया। डॉक्टर सुशील ने कहा कि हिम सुरक्षा अभियान जिला के लोगों में कोविड के साथ साथ गंभीर बीमारियों का पता लगाने में कारगर सिद्ध होगा। अभियान जिला भर में चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण करेंगे। इसके लिए पहले ही जिला भर के लिए चिकित्सा खंड स्तर पर टीमों का गठन कर लिया गया है। आशा कार्यकर्ताओं सहित स्वास्थ्य कर्मियों को ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। आज हमारे नगर ब्लॉक के जो स्वास्थ्य हमारे मेडिकल ऑफिसर साहबान हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, आज सभी का यहाँ पे जो हमारे इवन RBSK के हमारे मेडिकल ऑफिसर्स और उनका स्टाफ है, आज सभी को यहाँ पे एक दिन की कार्यशाला का आयोजन किया गया था। और जो एक दिन की ये कार्यशाला है, ये हमारी जो हिम सुरक्षा जो अभियान जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने जो 25 तारीख से लेकर दिशा निर्देशानुसार जो 25 नवंबर से लेकर 27 दिसंबर तक चलेगा, इसके ऊपर जो ट्रेनिंग पार्ट है, वो ट्रेनिंग पार्ट जो है ऑलरेडी हमारा 21 तारीख को जिला स्तर पर हो गया, पर ब्लॉक स्तर पर भी सभी ट्रेनिंग पार्ट जो है वो कंप्लीट किए जा रहे हैं। आज सभी जिलों के ब्लॉकों के अंदर ट्रेनिंग चल रही है। और इसी कड़ी के तहत मैं स्वयं आज नगर ब्लॉक में इसको मॉनिटर करने के लिए आया हूँ। और हमारी जो नगर ब्लॉक की जो टीम है वो पूरी तरह से जो सेवा के लिए है वो तत्पर है। 25 तारीख से लेकर तो 27 दिसंबर तक लोगों के हर व्यक्ति के घर द्वार जाया जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रसी, COVID-19, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुल्लू से सुशांत शर्मा की रिपोर्ट। न्यूक्लियस एकेडमी कुल्लू, बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए जिला कुल्लू की न्यूक्लियस एकेडमी कुल्लू में नंबर 1 पर रही है। नीट परीक्षा में एकेडमी के छात्र छात्राओं ने उम्दा प्रदर्शन कर एकेडमी अध्यापक और अभिभावकों का नाम रोशन किया है। एकेडमी में शिक्षा की गुणवत्ता पर भी प्राध्यापक विशेष ध्यान दे रहे हैं। यहां पर विभिन्न सुविधाओं से लैस क्लासरूम है। नीट के परीक्षा परिणाम में न्यूक्लियस एकेडमी के छात्र छात्राओं ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। एकेडमी में अगले सत्र की तैयारियां भी शुरू हो गई है, जहां पर वर्ष 2019 में 12 बच्चों में से 8 बच्चों का चयन मेडिकल कॉलेज में हुआ, तो इस बार 20 बच्चों में से 12 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने बेहतरीन अंकों से परीक्षा पास की है। न्यूक्लियस एकेडमी के निर्देशक ने बताया है कि संस्था की समृति ठाकुर ने 590 अंक लेकर जिला में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं अन्य छात्र छात्राओं ने भी बेहतरीन अंक हासिल कर मेडिकल कॉलेज में स्थान बनाया है। यहाँ पर JEE मेन्स, नीट, IIT, +1, +2 के विद्यार्थियों को कोचिंग दी जाती है। वहीं ड्रॉप बैचिंग की क्लासेस भी शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन ओपन है। संस्था के 12 छात्रों ने मेडिकल कॉलेज में अपना स्थान पक्का किया है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।